पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जब मैं ध्यान में आई तो मैं हमेशा प्रकृति से बातें करना सीख गई कि जैसे प्रकृति मुझे बुला रही है कि आप आओ मेरे हरियाली को चारों ओर देखो, और उन्हें सबको जैसे वो मेरे साथ बात करना चाहती है, वैसे मुझे पूरे फीलिंग्स आती रहती थी। एक दिन दोपहर को मैं जब बाहर निकली थी कुछ काम के लिए गई, तो मेरे दूर से एक आवाज़ आ रही है ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने पलट के देखा तो ऐसा महसूस है प्रकृति मुझे बुला रही है कि आप आओ मेरे गोदी में बैठो और मुझे महसूस करो कि कितनी सुंदर प्रकृति है। तो मैं जाके वहाँ बैठ गई तो देखे तो पूरे झाड़ के एक आंबा का वृक्ष है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। वो पूरा जैसे मेरे लिए वो गीत गा रहे, संगीत बज रहा ऐसा महसूस हो रहा था। मेरा नाम कविता पटेल है, मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। मेरा मेका चांदबाली में है और मेरे फादर्स 7 brothers थे और मेरे पापा सेकंड नंबर में थे और हम लोग जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे। और बचपन से ही हम पाठ पूजा व्रत उपासना बहुत करती थी। मैं पूरा फैमिली में सब लोग मिलके हम लोग हर एक उत्सव को मनाते थे और हर रोज हम लोग मंदिर भी जाते थे और घर में सब लोग बैठ के स्वाध्याय करते थे। बचपन से ही मेरा जीवन ऐसे आध्यात्मिक में आगे बढ़ा है। हम लोग सब साथ में ही रहते थे। ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं बड़ी होती गई तो ऐसे ही व्रत उपासना जाप सब हम लोग हमेशा करते ही रहते थे सब मिलके। और फिर 1996 के मेरी मैरिज हो गई और भुवनेश्वर में आ गई शादी होके। तो यहाँ आके मैंने देखा कि सब यहाँ भी ससुराल में भी हम लोग जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे और यहाँ पर ने स्वाध्याय सब करते थे और योगा भी करते थे। सुबह एक मास्टर्स आते थे और हम सब साथ में बैठ के योगा करते थे। योगा के समय जब शयानासन करते थे ना तो मुझे एक एनर्जी फील होती थी। तो मैं ये सोचती थी कि ये क्या है, एक पूरा दिन पूरा जितना भी काम करूं लेकिन कोई थकावट नहीं लगती थी और पूरा दिन एनर्जी फील करती रहती थी। तो एक बार मैंने मेरे देवर विनोद भाई पटेल से बात की कि भैया मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, वो क्या है मुझे पता नहीं लेकिन पूरा दिन मैं इसको महसूस करती हूँ। तो भैया ने बोले कि आंध्र से एक मास्टर्स आने वाले हैं, हम आपसे उनसे मिलाएंगे। और फिर 2-3 महीने के बाद पत्री सर का आना हुआ भुवनेश्वर में और पत्री हम सब लोग क्लास करने गए और पत्री सर ने हमें 40 मिनट का ध्यान करवाया। तो वही सेम एनर्जी मैंने फील की और मैंने महसूस किया कि हाँ, जो मैं योगा में एनर्जी फील करती थी वही सेम एनर्जी मैं ध्यान में कर रही हूँ। तो ये सही है, मैं अच्छे एक मार्ग पे चल रही हूँ ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर पत्री सर हमारे घर आए और साथ में बैठ के हमने घर पे भी ध्यान किया, पूरा परिवार साथ में बैठ के ध्यान किया और स्पिरिचुअलिटी जो सीढ़ी है उसको भी हमने देखा। ऐसे ही ध्यान की यात्रा हमारी चालू हुई और धीरे धीरे हम लोग सब लोग समाज के लोग और कटक के मास्टर सब लोग आते थे और हम सब मिलके सामूहिक ध्यान करते थे। फिर 2008 में हमारे घर के ऊपर ओडिशा का मदर पिरामिड बनाया, मेरे देवर जी ने ही बनाया है उसका नाम है उमा ध्यान मंदिर। फिर हम पिरामिड में बैठ के ध्यान करते थे और पिरामिड में ध्यान करने के बाद बहुत शांति लगती थी और मैं पिरामिड से पूछने लगी कि मुझे इतनी शांति कैसे लग रही है। तो ऐसे प्रश्न करके मैं ध्यान में बैठ जाती थी। तो एक बार मुझे महसूस हुआ कि
आवाज आए कि पिरामिड तेरा मैका है, और जहाँ आप रहते हैं वो आपकी, जहाँ आप घर में रहते हैं वो आपकी कर्म भूमि है। और बेटी जब ससुराल से मैके जाती है तो कितनी शांति लगती है, वैसी सेम शांति मुझे पिरामिड में मिलती थी। और तो मैं खुश हो गई कि वाह, इतना ये तो अच्छा है कि मुझे हर रोज़ मैके जाना मिलेगा और ध्यान भी होगा और इतनी शांति से मैं मैके भी हर रोज़ जा पाऊँगी। और ऐसा ही मैं हमेशा फिर पिरामिड में ध्यान करने जाती थी। और एक बार मुझे महसूस हुआ कि पिरामिड शक्ति से मुझे बहुत, मेरे बॉडी में कहीं भी पेन हुआ तो मैं तुरंत पिरामिड शक्ति का उपयोग कर लेती थी तो वो तुरंत ठीक हो जाता था और मुझे कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ध्यान के आने के बाद हर जो भी कार्य में मैं हमेशा सब कार्य में पिरामिड का ही यूज करती थी और अभी भी कर रही हूँ वो सेम। उसके बाद तो फिर मेरी एक बार मैं ध्यान में बैठी तो ऐसे ध्यान में बैठी थी तो मैंने अंदर से मैसेज आया कि मैं ध्यान भी कर रही हूँ और बीच बीच में मैं जाप भी कर रही, तो ऐसा क्यों? तो ऐसे ध्यान संकल्प डाल के बैठ गई कि दोनों में से मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कुछ ही समय के बाद मैंने देखा, एक अनुभव हुआ कि बहुत सारे मास्टर्स बैठे हुए हैं और मैं बीच में खड़ी हूँ। महावतार बाबा जी है, भोलेनाथ भगवान है, गणेश जी, युक्तेश्वर महाराज, लाइडी महाशय, योगी परम, सब लोग बैठे हैं और मैं प्रश्न कर रही हूँ कि ध्यान और जाप दोनों में से मेरे लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो महावतार बाबा जी बोले, आपके लिए वैसे तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपका जाप जब पूरा हो जाएगा तो आप खुद ही ध्यान में आ जाएंगे संपूर्ण रूप से। तो वैसे ही कुछ दिन के बाद मैं पूरी तरह से ध्यान में आ गई और जाप अपने आप छूट गया। ऐसे ही हम और हमारे घर मनीष सर कटक के मनीष भैया भी आते हैं हमेशा, हम सब साथ में बैठ के ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। मनीष भैया हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं हर कार्य के लिए। और अपने आप से प्रेम करना भी मनीष भैया ने हमसे सिखाया कि आप कैसे अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो। अब खुद अपने आप को स्वीकार करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। और हमेशा कैसे बात करनी चाहिए वो सब पूरा अच्छे से गाइडेंस भैया देते थे। और एक बार में हम नागपुर भी गए थे ध्यान क्लास के लिए, तो वहाँ कांता मैडम हमारे साथ थे, तो कांता मैडम ने हमें सिखाया कि कैसे आप क्लासेस लेना। मैडम ने हमको सिखाया कि ट्रेन में जो लोग बैठे थे उनको कि आप इसे सब लोग की क्लास लीजिए। ट्रेन में ही हमने क्लास ली, सबको ध्यान सिखाया और ध्यान के बारे में बताया, पिरामिड शक्ति के बारे में बताया। और ऐसे मेरी यात्रा चल रही थी और फिर मैं बाहर तो जा नहीं पाती थी ध्यान सिखाने के लिए, इसलिए कांता मैडम ने बोले आप ऑनलाइन क्लासेस करवाओ सबको। घर में बैठ के मैं दोपहर का समय सबको ऑनलाइन क्लासेस करवाती थी और सत्संग भी हम ऑनलाइन क्लासेस से ही करते थे। ऐसे ही मेरा यात्रा चल रही थी। फिर अभी कोरोना काल आया तो उसमें हमने घर में बैठ के बहुत अच्छे से बहुत सारे मास्टर से क्लासेस सुने, आत्मा की यात्रा सुनी। और मैं दोपहर 3 बजे पूरा पिरामिड में चले जाती थी और 6 बजे तक वहाँ पिरामिड में बैठ के ही ध्यान करती थी। उसी समय मुझे बहुत अनुभव हुए, उसमें गोल्डन एनर्जी को मैंने फील किया कि वो एनर्जी पूरा मेरे बॉडी के नाड़ी तंत्र का शुद्धिकरण हो रहा है वो महसूस किया। और एक अलग ही एनर्जी में फील करती थी और वहाँ बहुत सारे मास्टर्स के मैसेज भी मुझे मिलते थे। जब भी पिरामिड में बैठती हूँ कुछ नया नया अनुभव हमेशा मुझे आते थे। और एक बार तो मैंने देखा, सुबह उठी तो मैंने महसूस किया कि मेरे साथ एक गोल्डन एनर्जी और वाइट एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ। तो मैंने अब पूछा कि आप कौन है, मैंने सोचा कोई मास्टर्स मेरे साथ है, तो कुछ जवाब नहीं मिला। 2 दिन तक मैं वैसा ही महसूस कर रही थी कि दो ये गोल्डन एनर्जी मेरे साथ ही घूम रही है। फिर दूसरे दिन सुबह में जब ध्यान में बैठी तो वो सेम एनर्जी मेरे बॉडी के एंटर हो गई और मुझे अंदर से मैसेज मिला कि वो आपकी आत्मा का प्रकाश है।
और एक दिन मैं सुबह ध्यान करती थी, तो मैं सुबह हर रोज़ पायरा फेर करती हूँ, तो पायरा फेर ख़त्म होने के बाद मैं ध्यान में बैठ गई, तो मुझे एक अंदर से एक लाइट महसूस होने लगी, एक प्रकाश था। मैं अपने आप से प्रश्न कर रही हूँ कि क्या है, मेरे अंदर से इतना प्रकाश कैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो अंदर से एक आवाज़ आ रही, आपो दीपो भव, आपो दीपो भव, क्योंकि भगवान बुद्ध बोल के गए थे कि अपना दीपक आप स्वयं प्रकट कीजिए, तो वैसा ही सेम दीपक मेरे अंदर प्रकट हो गया था। उस मैसेज को मैंने स्वीकार किया कि नहीं, हाँ ये सही है कि मेरा आत्मा दीपक प्रकट हो गया है। और जब मैं ध्यान में आई तो मैं हमेशा प्रकृति से बातें करना सीख गई, कि जैसे प्रकृति मुझे बुला रही है कि आप आओ मेरे हरियाली को चारों ओर देखो, और उन्हें सबको जैसे वो मेरे साथ बात करना चाहती है, वे वैसे मुझे पूरे फीलिंग्स आने आती रहती थी। एक दिन दोपहर को मैं जब बाहर निकली थी कुछ काम के लिए गई, तो मेरे दूर से एक आवाज़ आ रही है ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने पलट के देखा तो ऐसा महसूस हुआ प्रकृति मुझे बुला रही है कि आप आओ मेरे गोदी में बैठो और मुझे महसूस करो कि कितनी सुंदर प्रकृति है। तो मैं जाके वहाँ बैठ गई तो देखी तो पूरे झाड़ के एक आंबा का वृक्ष है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे, वो पूरा जैसे मेरे लिए वो गीत गा रहे, संगीत बज रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। और ऊपर देखती हूँ तो ऊपर से इतनी आकाश तत्व को एनर्जी आ रही है, ऊपर से पूरा फील कर रही हूँ, और नीचे मैंने पैर रखा तो धरती माता से वो सेम एनर्जी महसूस कर रही हूँ, और चारों ओर से इतनी अच्छे से एक खुशबू आ रही थी कि ये सब पूरी प्रकृति मेरे साथ है और मैं उस सबको महसूस कर रही हूँ। ऊपर से सूर्य नारायण की भी रोशनी आ रही थी, उसको भी पूरा अच्छे से जैसे मेरे अंदर अग्नि तत्व को मैं महसूस कर रही हूँ ऐसा फील हुआ, और बहुत अच्छा लगा। एक दो घंटे में वहीं बैठ के वो सब पूरा मैंने एंजॉय किया कि हाँ ध्यान से कितना फ़ायदा है कि आप हर किसी से बात कर सकते हैं, पेड़ पौधे, और मैं तुलसी माता से भी बात करती हूँ, उसके पास जैसे मैं जाती हूँ तो उसकी छोटे छोटे पत्तियाँ और डाले हिलती है, और मैं उसको हक करती हूँ, प्यार करती हूँ, पूरा मुझे महसूस होता है कि मैं उनसे पूरा मिल गई हूँ, उसकी एनर्जी को मैं फील करती हूँ। ऐसे ही मेरी यात्रा चलती रही, और फिर अभी 2020 ध्यान महाचक्रम का मुझे जाने का मौका मिला। कांता मैडम ने एक बार फ़ोन किया कि आप महाचक्रम में आ रहे हो, मैं तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, तो कह नहीं आप संकल्प डाल दीजिए तो अपने आप हो जाएगा जाना। तो ठीक है, मैं ऐसे संकल्प डाले कि हाँ मुझे जाना है ध्यान महाचक्रम में। तो फिर रात को मेरे देवरानी से मैंने बात की, मुझे जाने की इच्छा है, आप मेरे साथ चलेंगे क्या? तो हाँ उसने बोला हाँ हम चलेंगे। तो फिर दोनों को जाना हुआ तो घर से भी परमिशन मिल गई कि आप जा सकते हैं। तो मैंने कांता दीदी से फ़ोन कर दिया कि दीदी हम, मैं और लक्ष्मी मैडम दोनों आ रहे हैं ध्यान महाचक्रम में। दीदी भी खुश हो गई और मुझे भी अपने आप पर विश्वास होने लगा कि नहीं, संकल्प शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हो। और फिर मुझे ध्यान महाचक्रम में जाना हुआ, और बहुत जैसे हम कैलाशपुरी में पहुँचे इतना अच्छा लगा, जैसे मैंने पैर रखा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ, और पिरामिड को देख के तो इतना खुश है कि जैसे मैं उसको समेट लूँ अपने बाहों में। और वहाँ जाए थे बहुत बहुत हमने एंजॉय किया, और पूरा रात हम लोग पिरामिड में बैठ के मैं ध्यान करती थी, और पूरा दिन हम सब मास्टर से क्लासेस सुनते थे। फिर दो दिन के बाद हमारा बाहर घूमने को जाने हुआ, दो बस लेके हम 80 मेंबर्स बाहर घूमने गए, वहाँ बीच पली गए थे हम लोग, और जगन्नाथ घट्टू कर्नूल पिरामिड देखने गए थे, और सदानंद योगी के आश्रम में गए थे। जैसे ही रात को सदानंद योगी के आश्रम हम पहुँचे तो मुझे हम लोग गए थे रात को दर्शन के लिए, तो जैसे ही मैं समाधि के पास बैठी तो एक अजीब सी मुझे एनर्जी फील हुई, दोनों हाथ मैंने जैसे ही उसको
लगा ये समाधि को, तो उसकी चेतना शक्ति को मैं पूरा फील कर रही थी। जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी हार्ट बीट और वो समाधि की हार्ट बीट सेम हो गई है, कि योगी महाराज को मैं पूरा महसूस कर रही थी, और पूरा रात में बैठ के वह ध्यान किया। और सुबह आके मैंने स्नान करके, हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले होते, उसी टाइम मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीरियड्स हुआ है। तो पहले तो मुझे पीरियड्स होने की बहुत तकलीफ होती थी कि 5 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बेड में ही मुझे बैठना पड़ता था और मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी। लेकिन वहाँ मुझे जब महसूस हुआ कि नहीं, मेरा पीरियड्स हुआ है, तो मैं, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि जो भी हुआ मैं आई एक्सेप्ट इट, ये परिस्थिति को मैं एक्सेप्ट कर ली हूँ। तो तुरंत ही पूरा नॉर्मल फील होने लगा मुझे। और फिर 5 दिन तक मुझे पूरा, जैसे हर परिस्थिति मेरे अनुसार हो रही है वैसा हुआ, और मैं पूरा अच्छे से वहाँ 5 दिन घूम, सब क्लासेस अटेंड किए, पूरा अच्छे से पूरा एंजॉय किया, सब मास्टर से मिलना हुआ, ध्यान किए, पूरा रात बैठ पिरामिड में ध्यान करते रहे, परिस्थिति पूरी मेरे अनुकूल हो गई और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, पूरा अच्छे से मेरा पूरी यात्रा हो गई। और ये सब ध्यान की वजह से ही ये सब मेरा हुआ। ध्यान महाचक्रम में हमने बहुत सारे मास्टर से मिलना हुआ और बहुत सारे क्लासेस हमने ज्वाइन किए, वहाँ मास्टर्स लोग लेते थे, वहाँ बहुत ज्ञान प्राप्त किया। पत्री सर के साथ हमारा 2-3 बार बैठ के सत्संग हुआ, और सुबह हम हर रोज़ ध्यान करते थे स्टेज के ऊपर बैठ के, और बहुत ही अच्छा रहा ध्यान महाचक्र में हमारा। बहुत एनर्जी फील हुई, पिरामिड, पार्वती पिरामिड में बैठ के ध्यान किया, महेश्वरा महापिरामिड में बैठ के ध्यान किया, और कन्नूर पिरामिड में भी हम लोग गए थे, और ओमकारा पिरामिड हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोग ने बहुत अच्छे से ध्यान किया और बहुत एनर्जी फील हुई। और पत्री सर हमेशा भुवनेश्वर आते हैं तो हमारे घर आते थे, और पत्री सर खुद खाना बनाते और हम लोग को परोसते थे, और हम सब बैठ के सब, और सारे भी बहुत सारे मास्टर्स आते थे, उनके साथ बैठ के हम लोग सब खाना खाते थे और ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। ऐसा ही हमारा यात्रा रहती थी, यात्रा चालू रही। और वैसे बहुत सारे आंध्र के मास्टर्स भी हमारे घर आते रहते हैं, प्रेमनाथ सर, रामाराजू सर, नरेंद्र मुदुलकर सर, और सर सत्संग करते हैं और हम लोग सब बैठ के ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, पूरा रात ऐसे ही हम लोग ध्यान करते हैं, सत्संग करते रहते हैं। और पूर्णिमा ध्यान हम लोग करते हैं सब मिल के पिरामिड में बैठ के, और पिरामिड शक्ति का प्रचार करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे पिरामिड शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। जैसे सब लोग माता जी और भगवान को मानते हैं, वैसे मैं पिरामिड शक्ति को मानती हूँ। मुझे जो भी कुछ हो तो तुरंत मैं पिरामिड में बैठ के ध्यान करती हूँ तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है पिरामिड शक्ति का, और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि पिरामिड शक्ति का प्रचार करना, ध्यान का प्रचार करना, शाकाहार जगत का प्रचार करना, और पीएमसी चैनल का जय हो। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।